गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं देवघर का एम्स के अंदर में हूँ और काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हो रहा है। ये देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से नज़ारा देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, एकदम पूरा ज़बरदस्त बारिश के साथ में। तो ये देख सकते हो, अभी मैं एम्स के अंदर में हूँ और बारिश से बच रहा हूँ थोड़ा। इधर में देख सकते हो, मैं इधर में बच रहा हूँ, ये देख सकते हो। और नज़ारा भी एकदम काफ़ी बेहद हसीन लग रहा है, खूबसूरत मस्त टाइप का। तो चलो अभी आप लोग को दिखाते हैं और भी नज़ारा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। क्या क्या होने वाला है हमारे साथ में आज के दिन में, ये देख सकते हो। अभी मैं निकल चुका हूँ एम्स से, बाहर की ओर जा रहा हूँ और ये देख सकते हो, बारिश अभी भी पड़ रही है काफ़ी तेज़। मैं भीगता हुआ निकल रहा हूँ इधर में, ये देख सकते हो मेन गेट का नज़ारा आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। और मैं काफ़ी भीग रहा हूँ, ये देख सकते हो, दौड़ने लग गया हूँ मैं, क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों। मेरे पास फ़िलहाल छतरी भी नहीं है और देखते देखते मैं गेट के तरफ पहुंच गया हूं। ये देख सकते हो, गेट से बाहर निकल चुका हूं और ये देख सकते हो एम्स के बाहर का कुछ हालत इस प्रकार का देखने को मिलेगा आप लोगों को। सारा का सारा दुकान वगैरह हटा दिया गया है यहां पर से, ये देख सकते हो, एक भी दुकान वगैरह आप लोगों को खुली हुए नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से नज़ारा देखने को मिलेगा फ़िलहाल में। और मैं ऑटो में सवार हो गया हूँ, ये देख सकते हो, और ऑटो में सवार हो करके ये देख सकते हो मैं बैठ चुका हूँ और ऑटो चल चुका है यहाँ से, और मैं अभी देवघर के तरफ में चलने वाला हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि देवघर में तो मैं हूँ, फिर देवघर कैसे जा रहा हूँ? तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, आप लोग को बताता हूँ। मैं अभी शंख मोड़ पहुँच चुका ही हूँ, ये देख सकते हो नज़ारा शंख मोड़ का कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। क्या है कि एम्स जो है ना, देवघर से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे है, देहात के तरफ में, ठीक है, गांव के तरफ में। तो देवघर से इतना दूरी है 10-12 किलोमीटर। और ये देख सकते हो, शंख मोड़ पर हम उतर चुके हैं और यहाँ से फिर हम आगे की ओर चल दिए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो नज़ारा। और अभी मैं सत्संग नगर का स्टेशन पहुंच चुका हूं, ये देख सकते हो, सत्संग नगर का स्टेशन देखने को कुछ इस प्रकार का मिलेगा आप लोगों को। और ये ब्रिज के नीचे से मैं क्रॉस कर रहा हूं अभी, क्या बोलते हैं, सो देवघर का सत्संग नगर क्रॉस करके उधर मैं मेन रोड पे जाऊंगा, उधर से फिर ऑटो पकड़ लूँगा मैं। मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, चलो आप लोग को सारा कुछ दिखाएँगे। आप साथ में बने रहो और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा आप लोग। तो चलो अभी ये देख सकते हो, मैं ब्रिज क्रॉस कर ही रहा हूँ और मेन रोड का नज़ारा देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। ये देख सकते हो, मेन रोड पे फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ और इधर में मैं टोटो लेता हूँ फटाफट से और यहाँ से निकलता हूँ। तो चलो, ये देख सकते हो बारिश यहाँ भी काफ़ी ज़बरदस्त पड़ रहा है और मैं अभी पहुँच चुका हूँ VIP चौक। ये देख सकते हो V2 मॉल का नज़ारा देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। तो इसी गली में हमारा साइट है, तो इधर ही से चल रहे हैं। ये देख सकते हो, पूरा रास्ता भी टूटा फूटा, एकदम पूरा बारिश पड़ा हुआ है, क्या ही बोल सकते हैं। मुझे तो पैदल ही जाना पड़ेगा भाई, पैदल भी चलने का रास्ता सही नहीं है। ये देख सकते हो, पूरी तरह से बारिश वगैरह पड़ा हुआ है और कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। हमारा कैमरा भी थोड़ा ब्लर हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, चलना तो पड़ेगा, बारिश पड़ रही है थोड़ी थोड़ी। और ये देख सकते हो, देवघर का नज़ारा दिखा रहे हैं आप लोग को, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा काफ़ी ज़बरदस्त एकदम। मैं अभी छत के ऊपर से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, वीडियो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, अपना नाम भी कमेंट कर दीजिएगा। ये देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत शहर देखने को मिला है आप लोग को। और अभी एक बज चुका है और खाना खाने के लिए आ गया हूँ मैं। ये देख सकते हो, बैद्यनाथ होटल पे पहुँच चुका हूँ मैं खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद में मैं फिर रिटर्न जा रहा हूँ अपने साइट के तरफ। ये देख सकते हो, अभी मेन रोड का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। ये देख सकते हो, अभी बारिश पूरी तरह से छूट चुका है और नज़ारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आप लोग को। मस्त खाना खा के एकदम पूरा दिल खुश हो गया, ये देख सकते हो, मैं घूमते हुए जा रहा हूँ, अभी सामने में ही मेरा साइट है। और अभी शाम का टाइम हो चुका है, ये देख सकते हो, थोड़े अंधेरे भी हो गई है और मैं साइट से निकल चुका हूँ अपना ड्यूटी ऑफ करके। और देख सकते हो, पूरा रास्ता एकदम कीचड़ और पानी से भरा पड़ा हुआ है, क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, चलने को भी नहीं मिल रहा।